नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 6 पार नजर के का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग आपको पढ़ा चुके हैं और इसके प्रथम भाग में हमने आपको बताया था कि इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है। एक वैज्ञानिक परिकल्पना की गई है कि मंगल ग्रह पर निवास करने वाले व्यक्तियों का जीवन पहले कैसा था और धीरे 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 सूर्य के परिवर्तन के कारण वहां का ताप बढ़ गया, जिससे जनजीवन उनका प्रभावित होने लगा और धीरे 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 वहां पर सभी पशु पक्षी जनजीवन नष्ट होता चला गया और वहाँ के लोगों ने अपनी प्राण बचाने हेतु मंगल ग्रह की जमीन के नीचे अपना आवास बनाना शुरू कर दिया। किसकी सहायता से? यंत्रों की सहायता से। तो हमने आपको ये भी बताया था कि इस पाठ में एक छोटू नाम का बच्चा है जो एक उनके पिता एक वैज्ञानिक हैं। वह अपने पिता को रोजाना मंगल ग्रह की सतह पर जाते हुए देखता है, लेकिन वह उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं, रोज रोज यही इनका कार्य होता है, इसी रास्ते से आते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं, आखिर ये रास्ता किधर जाता है, मुझे भी उस रास्ते के बारे में जानना है। तो वह जानने के लिए क्या करता है, अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है और सुरंग के रास्ते से मंगल ग्रह की सतह तक पहुंच जाता है, जहां पर वह निरीक्षक यंत्रों की सहायता से पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर जो वहां के सिपाही होते हैं, जो वहां के रक्षक होते हैं, वो उस बच्चे को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। तो आइए बच्चों, इससे आगे का हम देख लेते हैं। सभी बच्चे बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। देखिए, जो छोटू के पापा हैं वह एक वैज्ञानिक हैं और वह उन्हें किसके बारे में बता रहे हैं, वह स्पेस सूट के बारे में बता रहे हैं कि अगर मैं मंगल ग्रह की सतह पर जाता हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं जाता, मुझे एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनना पड़ता है जिसे स्पेस सूट बोलते हैं, उसी की वजह से मैं ठंड से बच सकता हूँ और उसी से मुझे प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और एक खास किस्म के जूतों की वजह से मैं वहाँ की जमीन पर चल सकता हूँ, आम जूते पहनकर मंगल ग्रह की सतह पर नहीं चला जा सकता। तो वह यह सब किसको बता रहे हैं, अपने छोटे से बच्चे को बता रहे हैं जिसका नाम है छोटू। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, वह अपने बच्चे को बता रहे हैं, छोटू के पापा अपने बच्चे को बता रहे हैं कि जमीन के ऊपर है ना, मंगल ग्रह की सतह के ऊपर चलने के लिए हमें पहले से है ना प्रशिक्षण, एक शब्द आया है यहाँ पर प्रशिक्षण, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व दिया गया ज्ञान कहलाता है प्रशिक्षण, यानी कि उस कार्य को करने के लिए जो ज्ञान दिया जाता है उसे प्रशिक्षण कहते हैं। तो एक खास प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे हम उसकी सतह पर चल सकते हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। देखिए, उनका छोटा जो बेटा है जिसका नाम छोटू है, वो अपने पापा की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा है और पापा उसे आगे बता रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मंगल ग्रह की सतह पर सभी लोग ऊपर जमीन पर ही रहते थे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, यानी कि किसी भी प्रकार के यंत्रों की मदद लेने की वहां पर जरूरत नहीं थी, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के,
है ना। यहाँ पर एक शब्द पोशाक भी आया है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। पोशाक को कहते हैं कपड़ा भी कह सकते हैं और इसे हम वस्त्र भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ना तो वहां पर किसी खास पोशाक की जरूरत थी, यानी कि कपड़े की जरूरत थी, और हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। यानी कि अब का समय ऐसा है कि हमें जमीन के नीचे रहना पड़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हम जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। देखिए वह अपने समय के बारे में बता रहे हैं जब उनके पूर्वज भी उनके साथ ही रहा करते थे, जमीन के ऊपर रहा करते थे। वह अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि पहले मंगल ग्रह ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। वहाँ पर सभी लोग बड़े प्यार से रहा करते थे, सभी लोग बड़े मिलजुल कर रहा करते थे और सारे कार्य जमीन के ऊपर ही किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के तापमान में वृद्धि हुई तो वातावरण में परिवर्तन हो गया, और वातावरण में परिवर्तन होने के कारण धीरे 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 वहां की धरती पर रहने वाले सभी जीव मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। देखिए आप सभी को पता है कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, अगर उसका ताप थोड़ा सा ज़्यादा धरती पर पड़ जाए तो वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, और ताप अधिक अगर हो जाए तो वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वहाँ के मरने लगते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है। देखिए बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरज से क्या है, हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर, उष्णता। उष्णता किसे बोलते हैं? उष्णता बोलते हैं गर्मी को, ठीक है। सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलती है, हमें रोशनी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, और एक चीज और मिलती है जिसे हम विटामिन डी के नाम से भी जानते हैं, जो शरीर को हमारे आवश्यक रूप से चाहिए होता है, ठीक है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। देखिए वह अपने बच्चे को बता रहे हैं, जो छोटू के पापा हैं वे अपने बच्चे को बता रहे हैं कि सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का, है ना, मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ने लगा। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। असक्षम है ना, यानी कि वे सहन ना कर सके। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। देखिए वो बता रहे हैं कि धीरे 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 वहाँ की धरती पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ने लगी, जिसके कारण वहाँ के जो जीव थे, जंतु थे, पेड़ पौधे थे, मनुष्य थे, धीरे 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 समाप्ति की ओर बढ़ने लगे। यानी कि धीरे धीरे उनका वे नष्ट होते चले गए, यानी कि विनाश होता हुआ चला गया। किसके कारण? सूर्य की बढ़ते हुए तेज के कारण धरती समाप्त होने लगी। केवल उनके पूर्वज ही थे जो यंत्रों की सहायता से इस स्थिति का सामना करने में सक्षम हुए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। देखिए वो बता रहे हैं कि केवल हमारे पूर्वज ही थे जिनको तकनीकी ज्ञान था, और उसी तकनीकी ज्ञान के कारण उन्होंने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और वहां पर घर बनाकर रहने लगे। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। देखिए वह अपने बच्चे को बता रहे हैं
कि हम जमीन के नीचे बेशक रहते हैं, लेकिन हम विभिन्न यंत्रों की सहायता से, जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर लगाए थे, तो उसके सहारे से हमें सूर्य की शक्ति भी मिलती रहती है, उसकी रोशनी भी मिलती रहती है और उसकी गर्मी भी हमें प्राप्त होती रहती है। किनकी सहायता से? यंत्रों की सहायता से। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता, देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है सतर्कता, है ना। सतर्कता को हम सावधानी भी बोल सकते हैं कि बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। किसके लिए? यंत्रों की रक्षा करने के लिए। जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। देखिए वो अपने बच्चे को बता रहे हैं कि मेरे जैसे ही कुछ लोग हैं जो इन यंत्रों की सहायता में जुटे रहते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। देखिए वे जो छोटा बच्चा है, जब उसने अपने पापा की सारी बातें सुनी तो उसके मन में क्या जिज्ञासा उठी कि जैसे मेरे पापा वैज्ञानिक हैं और वह अपने आवास की रक्षा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? मंगल ग्रह की सतह पर जाते हैं। मैं भी बड़ा होकर यही काम करूंगा और उन यंत्रों की देखरेख करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा एक शब्द यहाँ पर आया है, मंशा, यानी मंशा को हम इच्छा भी बोल सकते हैं। यानी कि छोटू ने क्या है, अपने पापा की सारी बातें सुनी और सारी बातें सुनकर उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं भी अपने पापा की तरह ऐसा ही एक वैज्ञानिक बनूंगा। उनके पापा क्या बोलते हैं, देखिए बच्चों आगे। बिल्कुल, उनके पापा कह रहे हैं क्यों नहीं, तुम बन सकते हो, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। देखिए उनकी माता भी उनके समीप ही बैठी हैं, पास बैठी हैं, और वह सारी बातें सुनता हुआ छोटू को देख रही हैं। और जब छोटू अपनी मंशा जाहिर करता है, इच्छा जाहिर करता है एक वैज्ञानिक बनने की, अपने पापा की तरह बनने की, तो उनकी माँ कहती हैं कि हाँ तुम बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या है, खूब सारी पढ़ाई भी करनी होगी और अपने माता पिता का कहना भी मानना होगा, तभी तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। देखिए कंट्रोल रूम जहां पर वो सारी चीजें, है ना, व्यवस्थित की जाती थी, उसका सुचारू रूप से ध्यान रखा जाता था, उसे कहा जाता था कंट्रोल रूम। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन को तरफ इशारा किया। शिफ्ट उनकी चलती थी, जैसे वहां पर काम करने वाले व्यक्ति थे, किसी को सुबह बुलाया जाता था तो किसी की रात में वहां पर शिफ्ट लगती थी, यानी कि का समय बटा हुआ था। तो एक वहां के स्टाफ के जो प्रमुख थे, उन्होंने क्या देखा कि टीवी की स्क्रीन, यानी कि टीवी के ऊपर एक चित्र दिखाई दे रहा है, और उन्होंने चित्र देखते ही इशारा किया, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, है ना, यानी कि स्क्रीन पर कुछ बिंदु के समान था जो दिख रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिंग नहीं रहा है। देखिए स्थिर, अडिंग को बोलते हैं स्थिर, यानी कि वह वहाँ के जो स्टाफ के जो प्रमुख है, वह स्क्रीन की ओर देखते हैं, टीवी की स्क्रीन की ओर देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि एक बिंदु है जो उस ग्रह की तरफ चला आ रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि यह आसमान का कोई तारा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह आसमान का कोई तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह ठहरा नहीं है, ये चला आ रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है,
उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से पता लगा लिया है कि ये तारा है या फिर कुछ कोई और चीज है। तो कुछ घंटों में क्या बदली थी, उस बिंदु ने अपनी जगह बदली थी। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। देखिए कंप्यूटर ने बताया कि वह जो बिंदु है वह लगातार जो है वह मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, कुछ लोगों ने कहा। कुछ वैज्ञानिक वहां पर थे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो बिंदु हमें टीवी की आप देख रहे हो ना, ये जो टीवी है ना, जो टीवी है, तो कुछ वैज्ञानिक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है ठीक है, ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। किसके पापा ने प्रकट किया? संदेह प्रकट किया छोटू के पापा ने। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। देखिए वहां पर जो सभी वैज्ञानिक थे और उनमें उनके छोटू के पापा भी शामिल थे, तो उन्होंने अपना संदेह प्रकट किया कि ये जो टीवी की स्क्रीन पर एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, ये स्थिर तो है नहीं, है ना, ये मतलब एक जगह नहीं ठहरा हुआ, इसने कुछ घंटों में अपनी स्थिति बदली है, रफ्तार इसकी हमारी ग्रह की हो रही है। तो उन्होंने संदेह प्रकट किया और इस स्थिति के बारे में वे क्या करने लगे, सोच विचार करने लगे, सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? वो क्या क्या सोचने लगे कि ये अंतरिक्ष यान, क्या ये सचमुच अंतरिक्ष यान है, और ये यान है तो ये कहाँ से आ रहा है, और आ रहा है तो हमारे धरती के अलावा और भी कई जन जीवन है जिसने ये अंतरिक्ष यान हम तक छोड़ा है, यानी कि जिसने हमारी धरती का पता लगाने के लिए ये अंतरिक्ष यान यहाँ पर भेजा है, तो हमारे सिवा कोई और भी अंतरिक्ष में है, तो इस बारे में वह सोच रहे हैं। कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो वह सोच रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य, मतलब मनुष्य का जीवन कहीं और भी है, तो क्या वह इतना सक्षम है कि अंतरिक्ष यान उन्होंने छोड़ दिया है? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। वह अपनी बात बता रहे हैं कि अगर किसी ने अंतरिक्ष यान ये छोड़ा भी है तो क्या वो इतने सक्षम हैं? लेकिन फिर वह सोचने लगे कि हमारे पूर्वजों ने भी तो अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था कभी, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है, है ना, असंभव यानी कि मुमकिन, है ना, मुमकिन नहीं है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, क्योंकि अंतरिक्ष यान किसकी सहायता से उड़ते हैं, ऊर्जा की सहायता से उड़ते हैं, उन्हें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तभी वह अपनी गति पकड़ते हैं। इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है, हाँ अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए वह सोच विचार में डूब गए हैं कि अंतरिक्ष यान किसने छोड़ा है, कहां से छोड़ा है, कहीं और जीवन भी है। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसा ही अंतरिक्ष यानों का प्रयोग हमारे कभी पूर्वजों ने भी किया था, उपग्रहों का प्रयोग भी किया था, लेकिन आज के समय में है ना हमारे लिए ये असंभव है, हम यह अंतरिक्ष यान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके लिए हमें अत्यधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। देखिए तभी उन्होंने क्या देखा कि अंतरिक्ष यान से जो है एक यांत्रिक है जो हाथ को बाहर निकालता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने देखा
के हर पल उसकी लंबाई क्या थी, बढ़ती हुई जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, है ना। देखिए अवलोकन, छोटू के पापा उसे क्या देखते रहे, ध्यान पूर्वक देखते रहे, उसकी जांच करते रहे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी, अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। देखिए उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने एक चीज अपने ग्रह की ओर आते हुए देखी तो वह घबरा गई, और घबराने के बाद उन्होंने जो वहाँ जमीन के नीचे जो कॉलोनी बनाई थी वहाँ की एक समिति की सभा बुलाई गई, और वहाँ के अध्यक्ष उन्हें क्या देने लगे, भाषण देने लगे और बताने लगे कि ये दो अंतरिक्ष यान हैं जो हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। उन्होंने बताया कि एक अंतरिक्ष यान जो है, इन दोनों यंत्रों में से, इन दोनों यानों में से एक अंतरिक्ष यान है जो हमारी चारों तरफ चक्कर काट रहा है, यानी कि चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। देखिए उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से यह भी पता लगा लिया कि यह जो दोनों यान छोड़े गए हैं यहाँ, यह नजदीक से ही छोड़े गए हैं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। देखिए उन्होंने दोनों यानों को छोड़ तो दिया है हमारे मंगल ग्रह की तरफ, लेकिन अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसकी हमें योजना बनानी होगी। ऐसा कौन बोल रहे हैं, उस समिति के, समिति की जो सभा हुई है उसके अध्यक्ष बोल रहे हैं अपने भाषण में। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है। देखिए उन्होंने नंबर एक से पूछा है कि आपका इस बारे में, इस विषय में क्या ख्याल है। उन्हें नंबर दिए गए थे, जो भी वहाँ पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे, निरीक्षक थे, तो उन्हें अपना अपना नंबर दिया गया था। तो ऐसे ही एक नंबर से पूछा जाता है कि आपका इस बारे में ख्याल क्या है, हमें क्या योजना इसके बारे में बनानी चाहिए। देखिए बच्चों, हम आपको इसका द्वितीय पार्ट भी पढ़ा चुके हैं, यानी कि द्वितीय भाग भी पढ़ा चुके हैं, सेकंड पार्ट, और इससे अगली वीडियो में हम आपको इसका अगला भाग पढ़ाएंगे। सभी बच्चे इस पार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। कम से कम आपको दो बार इस पार्ट की लिंक लगानी है और अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।